हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस ड्राइंग चैनल पे चीप वर्सेस एक्सपेंसिव पेंसिल कलर की ड्राइंग लेकर आई हूँ। तो मैंने जो कलर यूज़ किए हैं वो ये हैं। ये कैमलिन के पेंसिल कलर हैं और ये हमारे डिज्नी के पेंसिल कलर हैं। इन दोनों का यूज़ करके आज मैं एक ड्राइंग बनाने वालूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चीप वर्सेस एक्सपेंसिव की कौन सी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है। देर न करते हुए चलिए हम साथ करते हैं। अब मैंने ये एक स्केचबुक में ऑलरेडी एक बटरफ्लाई, एक सिंपल हमने ड्राइंग ली है, जो हमने एक बटरफ्लाई ड्रॉ की है, और इसको मैं सबसे पहले चीप कलर पेंसिल कलर यूज़ करके बनाऊँगी और आधी मैं हाफ अपनी बटरफ्लाई एक्सपेंसिव कलर से बनाऊँगी। ठीक है, कैमलिन के कलर ले लिए हैं और जो शेड्स मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो मैं निकाल लिए, मैंने चीप लिए हैं। सबसे पहले कैमलिन कलर यूज़ करे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ बटरफ्लाई को मैंने जैसे पहले बताया कि मैं इस तरीके से हम इनको ब्लेंड करते जाएंगे। सभी पेंसिल कलर का यूज़ करते हुए हमने ये हाफ बटरफ्लाई अपनी चीप पेंसिल कलर से बना ली। अब जो हमारी हाफ बची है इसको हम एक्सपेंसिव पेंसिल कलर से बनाएंगे। चीप कलर की हमने ये ड्रॉ कर ली है। अब जो हमारी हाफ बची हुई है उनको मैं ये एक्सपेंसिव पेंसिल कलर यूज़ करके बनाऊंगी। ये मेरे को मॉल्स में मिले थे, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं सेंड कर सकती हूँ, लेकिन हाँ कैमलिन के पेंसिल कलर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक शेयर कर दूंगी। तो चलिए अब एक्सपेंसिव कलर का यूज़ करते हैं। ये मुझे 500 की पेंसिल कलर्स मिले थे। अब आप देखिए फर्क आपको पहले ही दिख रहा होगा जो हमने बनाया है। इतने स्मूथली ये चल रहे हैं, वाकई ये बहुत ही अच्छे हैं। डिज्नी के भी अच्छे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे फर्क आपको खुद ही दिख रहा होगा। इसलिए मैंने हाफ हाफ बटरफ्लाई ड्रॉ की है ताकि आपको डिफरेंस पता चले चीप का और एक्सपेंसिव सेट का। चीप वाले भी पेंसिल कलर अच्छे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं वही सेम प्रेशर अप्लाई किया है जो मैंने पहले वाले चीप में करा है, और आप फर्क देख रहे होंगे कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और अच्छा आ रहा है, जबकि हमारा पहले वाले का थोड़ा लाइट टोन आ रहा था, इनका डार्क टोन है।
तो हमारी बनके बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई है। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि विच वन इज़ बेटर, चीप और एक्सपेंसिव। वैसे मेरे ख्याल से मुझे एक्सपेंसिव तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन चीप भी हमारा उतना बुरा नहीं लग रहा है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप चीप पेंसिल कलर करके भी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे शेडिंग करने में एक्सपर्ट हो जाएं तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप एक्सपेंसिव कलर लेकर आप अपनी ड्राइंग को बहुत ही सुंदर कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर बिगनर हो तो हमारी चीप भी ड्राइंग सुंदर है। तो होप है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से और भी कई वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। आप अपने कमेंट्स करना भी बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को प्योर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।